ये हमारे पास एक चार्जर आया हुआ है जो कि फॉल्टी, ये काम नहीं कर रहा है। आइए इसको चेक करते हैं और रिपेयर करने का तरीका भी आप लोगों को बता दें कि ये किस तरह से रिपेयर होता है। ये हमारा 220 वोल्ट का सप्लाई है, मीटर के ज़रिए से भी पहले इसको चेक करेंगे कि इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। वोल्ट आ रहा है चार्जर के लिए, ये बहुत है ये वोल्टेज। अभी देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कि क्या पोजीशन है इसका। ये बिल्कुल भी अभी आउटपुट नहीं दे रहा है। अभी इसको खोल के चेक करते हैं कि इसमें अंदर क्या फॉल्ट है, क्या मसला आया हुआ है। अभी ये इधर ही से खुलेगा, इधर जो निशानात भी है। अभी इसको खोलने के बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं, तब तक ब्रेक करते हैं ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो जाए। ये हमने इसको खोल चेक किया तो इसमें ये डायोड फॉल्टी नज़र आ गया। ये डायोड एक लेग इसका ये है और दूसरा लेग ये है, ये बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है, बाकी सारा ओके दिखा रहा है। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि इधर से ये इसमें फ्यूज लगा हुआ है, इसको तो रीडिंग देना ही देना है। ये इसका रेक्टिफायर है, एक साइड से रीडिंग देगा और दूसरे से नहीं देगा, दूसरा साइड भी इसी तरह है। ये डायोड भी इसके सही है दोनों। सिर्फ फॉल्ट मुझे लग रहा है कि इसमें इसी जगह में। अभी इसको क्लियर, बिल्कुल शॉर्ट हुआ है। अभी इसके लिए एक डायोड देखते हैं, ये डायोड इसके लिए मिल गया। अभी इसको चेक करते हैं कि ये रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। इस साइड में कुछ नहीं दे रहा है, अभी इस साइड में इसको रीडिंग देना पड़ेगा, ये रीडिंग दे रहा है। अभी इसको इधर लगाते हैं, फिक्स करते हैं इसमें।
अभी लोड तो ले रहा है, वोल्टेज चेक करेंगे कि इसमें वोल्टेज आएगा कि नहीं। फोर पॉइंट थ्री एट वोल्ट दे रहा है। एम्पियर भी इसका चेक करेंगे कि कितना एम्पियर देता है ये। वन एम्पियर के लगभग ये दे रहा है। अभी इसको फिट करते हैं।